अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चावल के पापड़। इसके लिए मैंने ये चावल लिए, ये चावल मैंने ले लिया था, ये आधा कप चावल। इसको मैंने एक दिन पहले ही पानी में भिगो दिया था। जितनी देर ज़्यादा आप भिगाएंगे उतने ही अच्छे पापड़ बनेंगे। और इसके लिए मैंने ये ज़ीरा लिया है, ज़ीरा एक खाने का चम्मच लिया है। और ये मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, ये मैंने लिया है एक चाय का चम्मच लिया है। और नमक लिया है हसब ज़रूरत। तो अब हम ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चावलों को पीस लेंगे बारीक पानी डालकर चॉपर में। ये देखें, ये चावल मैंने पीस लिया इस तरीके से। आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना। अब पीस के इसको छान लेंगे आप। और इसकी देखें, ये ऐसे लिक्विड होनी चाहिए। अब इसमें शामिल करूंगी मैं, इसमें मैंने नमक डाला, ये जीरा डाल दिया मैंने इसके अंदर। और ये कुटी हुई मिर्च भी डाल दी मैंने इसके अंदर। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये मैंने, आप इस तरीके का कोई सांचा ले लें या किसी बर्नी की ढक्कन ढक्कन ले लें, उसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से। अब ये मैंने ये पतीला लिया, इसके अंदर मैंने इस तरीके से स्टैंड रख दिया। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब इसके बाद इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये देखें, इसको मिक्स करके ये आपको इस सांचे में डालना है। बस इतना रखना आपने कि ये कवर हो जाए, कहीं से खाली ना लगे आपको। दोनों में से तरीके से डाल लेंगे। बस ये बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, बस ये कवर हो जाए। अब इसको हम इसके ऊपर रखते हैं। ये मैंने दोनों को इस तरीके से रख दिया। ये देखें, ये ऐसा हो जाना चाहिए। ये निकाल लें, दूसरे को इसको हम पानी में डाल लेंगे। ये साइड से आपने निकालना है, ऐसा करना है। इसको हम किसी चीज़ में फैला रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये प्लास्टिक का ये ले लिया था, एक प्लास्टिक लिए, उसमें मैंने इसको फैला दिया। अब ये दोबारा इसी तरीके से इसको ग्रीस किया। अब ये लिक्विड इसके अंदर डाला। अब इसको भी इसी तरीके से चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये देखिए,
ये देखिए ये देखिए साइज निकाल के मैंने स्टिचिंग करके ये देखिए, अब इसको हम निकाल के अब इसी तरीके से सारे बाहों को सारे निकाल के इसको हम सुखा देंगे धूप में। ये देखिए ये पापड़ मेरे सूख गए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये ऑयल चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पर, अब इसमें हम पापड़ फ्राई करेंगे। तरीके हम सारे पापड़ तल लेंगे, अब इसको तलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। ये देखिए ये फ्राई कर लिया मैंने, ये देखिए ये मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, ये देखो कितना क्रिस्पी। ये देखो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।